हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज हम लोग करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑल स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड अवार्ड्स, यानी जितने 2022 में स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए हैं या जितने भी मेडल्स जीते हैं किसी ने, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक का। अगस्त का भी फर्स्ट वीक हम लोग ने इंक्लूड किया है, तो एकदम लेटेस्ट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और जितनी भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में किसने रजत पदक जीता है? यानी कि जूडो में वुमेन्स 48 किलो कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुशीला देवी लिकम्बम ने। इनकी आप लोग फोटो देख लीजिए, काफी अच्छी जूडो के प्लेयर हैं। इन्होंने जाकर ब्रिहंगम में हुआ है। कहाँ हुआ? कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रिहंगम में हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, आप लोग राइट साइड में, ये आपकी कौन है? यही है आपकी सुशीला देवी लिकांबम। काफी अच्छी जूडो की प्लेयर हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो आप लोग जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने किस देश में पावो नुर्मी खेलों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो पावो नुर्मी गेम आपका कहाँ पर हुआ है, किस कंट्री में? तो आपका ये फिनलैंड में हुआ है, तो फिनलैंड आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो फिनलैंड में हुआ है, इन्होंने यहाँ पर नया रिकॉर्ड भी बनाया है। 89.30 मीटर्स का भाला फेंककर इन्होंने अपना रिकॉर्ड टोक्यो ओलंपिक्स का तोड़ दिया है यहाँ पर, बट इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, यहाँ पर इनको सिल्वर मेडल मिला है, तो करेक्ट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये देखिए, 89.30 मीटर्स का भाला फेंक कर इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। भारत के वेट लिफ्टर जिन्होंने 73 किलोग्राम में राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि कौन से इंडियन वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में? काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको नए नए नाम देखने को मिलेंगे कॉमनवेल्थ गेम में, क्योंकि हमारे इंडिया के काफी प्लेयर्स नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चंस। तो इंडिया के वेट लिफ्टर जो है 73 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो कौन है? अचिंता सेओली हैं। इनकी फोटोग्राफ आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, इन्होंने तो कमाल कर दिया है, गोल्ड मेडल जीतकर वेट लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम में देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, वेट लिफ्टिंग में हमें तीन मेडल्स मिले हैं, दो मेंस में मिले हैं, एक वुमेन्स में मिले हैं, सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुष की 67 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए, दूसरा स्वर्ण पदक आ गया है कितने कैटेगरी में? 67 कैटेगरी में। तो ये किसने जीता है? जेरमी लाल रिनुंगा ने जीता है। इनको भी आप लोग देख लीजिए, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो ये दोनों नाम आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि ग्रैंड प्रिक्स की, जो F1 2022 का हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, वो किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेस्टरपेन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने जीता है। और काफी सारे जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा किसी ने जीता है ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किए हैं, तो वो कौन है? मैक्स वेस्टरपेन है। तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, मैक्स वेस्टरपेन है। कुछ हैं सेलेक्टेड जो अन्य लोगों ने जीता है, जैसे कि आपके चार्ल्स लेक्लेरक ने जीता है, और भी हैं एक दो, बाकी सारे मैक्स वेस्टरपेन ने जीते हैं। तो इसका भी अलग से टेबल बना के दे दिया जाएगा आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? यानी पहला स्वर्ण पदक कह सकते हैं इसे आप लोग, इसको कह सकते हैं वुमेन्स कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में भारत को दिलाया, उन्हीं से हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ही स्वर्ण पदक जीता है, तो टोटल तीन मेडल्स आ गए हैं वेट लिफ्टिंग में। किस एथलीट ने चोट के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में नाम वापस ले लिया है? तो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने ही जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में इनको इंजरी हुई थी, तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट समिति में नियुक्त किया गया है? तो दो लोगों को नियुक्त किया गया है इस बार,
एक डैनियल विक्टोरी को किया गया है, जो कि कहाँ से हैं, आपके न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, सभी को पता होगा डैनियल विक्टोरी, ये कहाँ के हैं, आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, भी रहे कई बार ये। और बाकी वीवीएस लक्ष्मण को सब लोग जानते ही होंगे, इन दोनों का नाम दिया गया है आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी में, ये लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी अभी मैंने बताया था कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। एशिया कप 2022 को श्रीलंका से किस देश में स्थानांतरित किया गया है? तो देखिए एशिया कप कहाँ होना था, श्रीलंका में, बट ये कहाँ होगा, अब यूएई में होगा। इसकी जो है किसने दिया है, अनाउंस किया है, सौरभ गांगुली ने अनाउंस करके बता दिया है कि अब एशिया कप श्रीलंका में नहीं यूएई में होगा। 2018 समर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी किस देश में करी जाएगी? 2028 का पूछा जा रहा है, तो इसका सेशन मैं करा चुका हूँ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में 2028 का समर ओलंपिक्स इस बार का आयोजन किया जाएगा इसका। स्पेन में 41वां डी बैनेंस इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, अरविंद चिदम्बरम ने जीता है, याद रखिएगा, ये इनको देख लीजिए, अरविंद चिदम्बरम को। 41वां विल्ला डे बैनेंस इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट स्पेन में जो हुआ था वो किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने, याद रखिएगा। भवानी देवी डागर ने कौन सा मेडल जीता है ये आपको बताना है, वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें भवानी देवी डागर ने, दो टूर्नामेंट इस बार के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं, वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, दूसरा है आपका कौन सा, भवानी देवी डागर के बारे में तो पूछा जाएगा क्योंकि इन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया है, जो आपके मैच्योर वाली रेसिंग होती है जिनमें कि 35+ लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें इन्होंने क्या किया है, उसमें जाके इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है और बहुत ही बड़ा काम कर दिया है, गोल्ड मेडल जीत कर इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने 3 मेडल जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं शॉटपुट में। अब देखिए ये है 94 ईयर्स ओल्ड, ये 94 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, कहाँ की हैं, हरियाणा की हैं, इन्होंने देश का नाम रोशन कर लिया। हाँ